दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही असल जिंदगी में होना शुरू हो जाए? जैसे आप ठंडी के टाइम में ब्लैंकेट के अंदर सो रहे होते हैं और जब रात ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है कि ठंडी ज़्यादा लगेगी और आप जो है वो पतला वाला ब्लैंकेट ओढ़े हुए हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, ठंड से आप कपकपा रहे हैं। तो ऐसे में आप उस टाइम यही सोचते हैं कि काश ऐसा हो कि कोई आए और हमको कंबल ओढ़ा दे, ऐसे दिमाग में थॉट्स तो आते हैं ना, या फिर कोई हीटर चला दे ताकि हम ठंड से बच सके। या फिर आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान को पीठ पे खुजली हो रही होती है तो वो दीवार में ऐसे ऐसे करके रगड़ता है, सोचते हैं कि कोई खुजला दे। आप इमेजिन कर रहे हैं तो इतना मजा आ रहा है। तो सोचिए, इलॉन मस्क ने इस चीज को करके दिखा दिया है अपनी कंपनी न्यूरालिंक की मदद से। आपको बता दें कि एक ऐसी चिप तैयार की गई है जिसे सिर्फ सोचने या इमेजिन करने से ही वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि आप जो सोचेंगे, जो इमेजिन करेंगे, वो चीज़ रियल में होने लग जाएगा। लेकिन होगा कैसे? देखिए, इसके लिए क्या करना होगा कि चिप जो है वो दिमाग में इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी दिमाग में लगाना पड़ेगा। फिर आप अपने मन में जो भी चीज़ सोचेंगे वो चीज़ होने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं, आप सोचेंगे कि जो भी दोस्त है, चाहे प्रियंका हो या फिर कोई भी हो, कि मुझे इसको कॉल करनी है, फिर वो कॉल हो जाएगा, फिर आप उनसे बात कर पाएंगे। और सिर्फ कॉल ही नहीं, कॉल के अलावा भी बहुत कुछ है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिमाग का ढक्कन खोलने वाला टॉपिक है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाइए इसी टॉपिक से रिलेटेड, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मैं कई वीडियोज़ बना चुका हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, वो है BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यही नहीं, इलॉन मस्क ने वैकेंसी निकाली है ताकि जो भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स है वो न्यूरालिंक के साथ काम कर सके, न्यूरालिंक में काम कर सके, इन द सेंस ऑफ कि जो भी डॉक्टर्स है या इंजीनियर्स है वो चिप को इंस्टॉल कर सके ब्रेन में, जो चिप है उसको दिमाग में डाल सके, इसी चीज के लिए वो हायर कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल के लिए डॉक्टर्स और इंजीनियर्स चाहिए, इन्होंने जॉब निकाली है अमेरिका के अंदर। ये देखिए दोस्तों, यही चिप दिमाग के अंदर लगाया जाएगा। चलिए हम जानते हैं कि न्यूरालिंक ने इस चिप का किस तरह से प्रयोग किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस चिप का दो जानवरों पर प्रयोग किया गया है, पहला मंकी यानी बंदर और दूसरा जो है वो है पिग यानी सुअर। लेकिन इन दोनों के नाम में तब्दीली की गई है, बंदर का नाम रखा गया है पेजर और सुअर का नाम रखा गया है गर्ट्रूड। तो बंदर और सुअर के दिमाग में ये चिप लगाया गया था। दोस्तों, ये जो बंदर देख रहे हैं ये मकाऊ बंदर है जो कि बड़े मजे से जूस पी रहा है और साथ ही गेम भी खेल रहा है। दरअसल बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है वो लोग बंदर के दिमाग को टेस्ट कर रहे हैं, बंदर के दिमाग को एनालिसिस कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है। फिलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, अभी बंदर के दिमाग में चिप नहीं लगाया गया है, वो सिर्फ जूस पी रहा है और गेम खेल रहा है। आप इधर देख रहे होंगे कि जॉयस्टिक है, जैसे जैसे मूव कर रहे हो जॉयस्टिक को, बल्ब जो है वो इधर उधर घूम रहा है जॉयस्टिक के अकॉर्डिंग, और कर्सर जो है वो रेड पे जाता है तो फिर बल्ब का पोजीशन है वो अलग हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई बंदर पे टेस्ट किया जा रहा है तो बंदर का इसमें क्या फायदा? भाई फायदा तो दिख रहा है साफ साफ, वो जूस पी रहा है, वो गेम क्यों खेलेगा भाई, उसको गेम में क्या इंटरेस्ट है? उसे लालच दिया जा रहा है जूस का। ऐसा माना जाता है कि बंदर जो है वो चीजों को जल्दी सीखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी बंदर के दिमाग में वो चिप नहीं लगाया गया है, फिलहाल उसे गेम की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो गेम खेलना सीख सके। जब ये बंदर गेम खेलना सीख जाता है उसके बाद मेन काम शुरू होता है। इस बंदर के दिमाग में वो चिप इंस्टॉल किया जाता है यानी लगाया जाता है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, बिना जॉयस्टिक के वो गेम खेल रहा और गेम की स्पीड काफी ज्यादा है, फिर भी वो इजली वे में खेल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना जॉयस्टिक के कैसे खेल पा रहा है? वो सिर्फ दिमाग से, मतलब बंदर सिर्फ सोच के उस गेम को खेल पा रहा है। गेम खेलने के दौरान डॉक्टर्स जो है उसके ब्रेन को एनालिसिस कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों, न्यूरॉन्स चल रहे हैं, यानी बंदर के जो न्यूरॉन्स है वो चल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, बंदर के हाथ में ना जॉयस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई मशीन नहीं है, उसके दिमाग में चिप लगाया गया है, यानी अब वो सोच के ही गेम को खेल पा रहा है। और गेम की स्पीड देखिए, उस स्पीड के साथ भी गेम को खेल पा रहा है। अब देखिए, डॉक्टर्स जो हैं वो बंदर के दिमाग को एनालिसिस कर पा रहे थे कि उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, और यही टेस्टिंग सुअर के साथ भी किया गया था, यानी सुअर के दिमाग को भी टेस्ट किया गया था। इस चिप की मदद से बहुत सारे लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी, जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है,
दोनों में से कोई एक छुपा रहा है या फिर छुपा रही है, वो इस चिप की मदद से उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता लगाया जा सकता है। यानी आने वाले टाइम में ट्रुथ रिलेशनशिप होगी, यानी सच्चा रिश्ता होगा, लेकिन लोगों के साथ धोखा भी बहुत ज्यादा होगा और इसका बहुत खतरनाक यूज भी होने वाला है। दोस्तों, चिप के अंदर बाल से भी पतले इलेक्ट्रोड्स लगाए जा रहे हैं और वो चीज आपके दिमाग में लगेगी। देखिए, हर एक चीज का प्रोसेस कौन सा होता है। जब बम बनाया गया था तो बम बनाने का जो इंटेंशन था वो अलग था। जैसे बहुत सारे मजदूर विशाल पत्थर को तोड़ते थे तो बहुत परेशानी आती थी, बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती थी। तो जिन्होंने बम बनाया था उन्होंने सोचा कि इस बम के जरिए विशाल पत्थर को ब्लास्ट करके टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ऐसा किया भी और उसका यूज भी हुआ, बट पत्थर तोड़ने के अलावा इसका मिसयूज होने लगा और अभी भी किया जा रहा है। आप न्यूज में देखते हैं कि आतंकवादी यहाँ ब्लास्ट कर दिए, वहां बम ब्लास्ट हो गया, ये वो। ये सब गलत तरीका है यूज करने का। चीजें जो हैं वो अच्छी भी हैं और बुरी भी, डिपेंड ये करता है कि उसका हम यूज किस तरह से कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे आग। आग से हम खाना पकाते हैं और हम आदमी को भी पका सकते हैं, यानी इंसान भी उसमें पक सकता है, जल सकता है। आप देखते होंगे कहीं आता है कि इंसान ने खुद को आग लगा लिया। और जैसे रस्सी से हम किसी चीज को बांध सकते हैं और उसी रस्सी का दुरुपयोग करके लोग फांसी लगा लेते हैं या लगा देते हैं। तो चीजें जो हैं वो सही है और गलत भी, इसका कैसे यूज कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है, यानी इंसान पे डिपेंड करता है। तो एलन मस्क का कहना है कि ये चीजें जो हमने बनाई है वो डिसेबल्ड लोगों के लिए, जो पैरालाइज्ड है, ब्रेन हैमरेज है, अपाहिज है, उन लोगों के लिए ये चिप बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी। ये एलन मस्क का कहना है। अब आगे क्या होगा इसका आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक चीजें हो सकती है। इंसान सोया रहेगा और उसके दिमाग में चिप डालकर उसके दिमाग में क्या क्या है वो सारे डेटा कलेक्ट कर सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। इस चिप को एक बार चार्ज किया जाता है और पूरा दिन काम करता है, यानी इसका बैकअप है, इसमें बैटरी लगी होती है, तभी तो चार्ज होगा ना। और चिप जो है वो दिमाग में इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि दिमाग में कुछ गया है, दिमाग में कुछ लगा है। एकदम आपको नॉर्मल महसूस होगा, जैसे पहले महसूस होता था वैसे ही आपको बाद में भी महसूस होगा। और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये वायरलेसली काम करता है। 5 से 10 मीटर का इसका रेंज है कनेक्टिविटी का। और इस डिवाइस को, इस चिप को 1 घंटे के अंदर दिमाग में फिट किया जा सकता है, यानी लगाया जा सकता है। जैसे आप हॉस्पिटल गए और डॉक्टर जो है वो आपको 1 घंटे के अंदर, यानी 1 घंटे से कम में ही वो आपको चिप फिट करके लगा देगा और आप उसी दिन डिस्चार्ज हो सकते हैं। जैसे आप बाल कटाने जाते हैं तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। जैसे आप बाल कटवाने गए, जितना टाइम लगता है, जैसे 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, तो आपको 1 घंटे से कम टाइम में ही चिप जो है वो फिट कर दिया जाएगा। रोबोट की मदद से इलेक्ट्रोड्स जो है वो ब्रेन के अंदर लगाए जाएंगे। N1 चिप में 96 धागे होंगे जिससे वो डेटा को पढ़ सकेगी। और इंसान के कान के पीछे कॉइल लगेगी जिससे डिवाइस को चार्ज किया जा सके या फिर डेटा ट्रांसफर किया जा सके। मेन चीज तो है डेटा, तो पहले चार्ज होगा तभी तो ट्रांसफर किया जा सकता है ना। जब डिवाइस चार्ज ही नहीं होगी तो ट्रांसफर कैसे होगा, इसलिए चार्जिंग के लिए कॉइल लगी होती है। 4 mm² की माइक्रो चिप होगी जो कि हर एक इंसान के दिमाग में सेट की जाने वाली चिप होगी। अगर हम इस चिप के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके डिसएडवांटेज बहुत ही खतरनाक तरीके से होने वाला है, इतने खतरनाक तरीके से कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यानी इस चिप का बहुत ही दुरुपयोग होने वाला है, बहुत ही बुरी तरीके से। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।